So in today's class, we are going to start with the outer covering of prokaryotic cell. Prokaryotic cell में किस तरीके से outer covering होती है, क्या parts हैं, everything आज हम discuss करने वाले हैं, right? तो heading आपका रहेगा outer covering, right? So now bacterial cell, यहाँ example bacterial cell का लिया है. Reason क्या है bacterial cell का example लेने का? एक ही common reason है, that is we are talking about prokaryotic cell और bacterial cell जो है prokaryotic cell में include होता है, right? So bacterial cell is covered by a specific type of two, three layers. Right? One is outer, second is middle, third is inner. Right? एक होता है outer layer, second is the middle one, and the third one will be the inner one. ठीक है? अब इस तीनों को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो outer most layer है, that will be a capsule, एक slimy layer होता है. Slightly अगर मैं यहाँ पर आपको draw करके बताऊँ तो किस तरीके से होता है arrangement, उसको देखते हैं. चलिए. फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियल सेल है तो ये हमने बना दिया रेड कलर से उसका आउटरिंग लेयर. तो ये आउटर लेयर है, एक स्लाइम लेयर बनता है या फिर कैप्सूल जो उसको आगे जाके प्रोटेक्शन का काम करता है. ये काम करता है प्रोटेक्शन का. सेकेंड जो है मैं उसके अंदर बना रहा हूँ ये जो है सेल मेम्ब्रेन आप कंसिडर करिए. सेल वॉल आएगी और अगर इससे भी आप नीचे अंदर की ओर जाएंगे तो आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कुछ इस तरीके से तीन आपको लेयर अलग अलग देखने को मिलेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको तीन लेयर बना के आपको बताया है, तीन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है. पहला जो लेयर है आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं, दैट आउटर लेयर विल बी ऑफ व्हाट, ये जो आउटर लेयर है दैट विल बी ऑफ कैप्सूल, आई कैन से स्लाइम लेयर. उसके बाद ये ब्लू कलर का लेयर देखिए आप, दैट इज द सेल वॉल एंड द थर्ड जो इनर वन है दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो ये तीन लेयर है, मैंने इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाया. ठीक है, यहाँ पर जूम, अदरवाइज आप देखेंगे तो एक सिंगल सर्कल ही होगा, एक सिंगल सर्कल ही आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा. इस सिंगल सर्कल के एरिया को अगर हम इतना सा जूम करके तो हमें कुछ इस तरीके से तीन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगे, राइट? अब इसके अंदर जो इंटरनल अगर हम पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दूसरे मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, राइट? तो तीन लेयर हो गए, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, राइट? आउटर लेयर दैट इज द कैप्सूल और आई कैन से स्लाइम लेयर. Then comes second one that is cell wall and the third one is the cell membrane, right? शुरू करते हैं first से, that is the slime layer, okay? I can say the capsule, right? So the outside to the cell wall, cell wall से बाहर की side जाएंगे तो हमें ये layer देखने को मिलेगा जिसको हम slime भी कह सकते हैं और when component of this layer are compactly arranged then it is known as capsule. Capsule का generally काम क्या होता है? Protection का. कुछ ऐसी different different चीज़ें होती है जहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कैप्सूल के अंदर स्पेसिफिकली क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, राइट? नाउ कैप्सूल सर्व एज एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर टू द बैक्टीरियल सेल. कैप्सूल क्या करेगा? एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है बैक्टीरियल सेल का. एंड देन अगर मैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की बात करें तो उसके पास फ्लैजेला नहीं होता. दो चीज़ें, जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होती है वो नॉन फ्लैजेलेटेड होता है और कैप्सूल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का. तो ये हो गया फर्स्ट लेयर दैट इज द स्लाइम लेयर और आई कैन से कैप्सूल. अब बात करते हैं सेल वॉल की. दैट इज द सेकंड लेयर. इसको हम कौन सा लेयर कहेंगे? दूसरा लेयर कहेंगे, राइट? सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सेल. यानी जैसे मैंने आपको तीन लेयर यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था, सबसे पहला कैप्सूल था जिसको हमने अभी बात कर ली, उसके बाद हम सेल वॉल की बात करेंगे. तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, राइट? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कवर्ड रहता है, राइट? तो प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्या है? एक तो स्ट्रोंग हो गया एंड रिजिड. स्ट्रोंग एंड रिजिड अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन. पहले जो समझ में आ गया आपको कि भाई रिजिड है, स्ट्रोंग है, मतलब प्रोटेक्शन का काम है इसका. अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम गेटिंग रप्चर्ड ड्यू टू द वेरी हाई ऑस्मोटिक एंड टर्गर प्रेशर. सेल के अंदर हाई अमाउंट में टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है? टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. उनसे एक सेल कभी भी रप्चर हो सकता है. तो वो सेल रप्चर ना हो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने का काम भी सेल होता है. सेल वॉल किससे बनती है? द नंबर वन
component is polysaccharide, then comes proteins, and third one is lipid. तीन अलग अलग component है जिसकी वजह से सेल वॉल डेवलप होती है, polysaccharides, proteins and lipids, right? In the cell wall of bacteria, there are two important sugar derivatives. Cell wall में दो important sugar derivatives, two important sugar derivatives, which are not found anywhere in biological world. और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ सेल वॉल में ही देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है NAG and the second one is the NAM. पूरा नाम क्या है? NAG का पूरा नाम है N acetyl glucose amine. क्या कहते हैं इसको पूरा नाम क्या है? NAG का N acetyl glucose amine. दूसरा है NAM, उसका पूरा नाम है N acetyl न्यूरामिक एसिड, N acetyl न्यूरामिक एसिड. ये दो कंपोनेंट है सेल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड लेयर पे चलते हैं, दैट विल बी दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. सी, कुछ कुछ मटेरियल को आने देगी, कुछ को नहीं, मतलब कि रिक्वायरमेंट जिस मटेरियल की है उसी को अंदर आने देगी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अंदर नहीं आने. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमीएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट. अब ये जो है हर एक सेल के पास होती है, राइट. आप प्लांट सेल ले लो, एनिमल सेल ले लो, यानी यूकैरियोटिक सेल ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, आपको ये मेम्ब्रेन देखने को जरूर मिलेगी, राइट. यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, राइट. सिंपली एक लेग ड्रॉ किया, आपने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट. अब यहाँ अगर हम बात करें तो आपको एक सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर उसकी हम बात करें तो एक आपको देखने को सबसे आउटर लेयर में जाएंगे, देन यू विल फाइंड व्हाट, कैप्सूल. आप आउटर लेयर की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल देखने को मिलेगी, राइट. ये रही कैप्सूल, कैप्सूल दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. थोड़ा सा इनर साइड में जाएंगे तो आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, एंड द लास्ट वन दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिख रहे हैं आपको यहां पर लेयर की बात करें तो ये फर्स्ट लेयर है, हियर कम्स द सेकंड लेयर, एंड इसके बाद आपको इंटरनल थर्ड लेयर भी देखने को मिलेगा. तो तीन लेयर से बनी हुई है उसकी कंप्लीट जो भी आउटर कवरिंग है वो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा, बट आपको ये याद रखना अगर उसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होती है उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, राइट. फिमरी भी प्रेजेंट हो सकती है, आउटर छोटा सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक, जो एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करती है. अगर आप सेल के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा साइटोसोल, जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जो भरा हुआ रहता है. देन कम्स राइबोसोम, उसके बाद आएगा राइबोसोम, डीएनए स्ट्रैंड आपको मिलेगी, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो डीएनए एज इट इज मिलेगा साइटोप्लाज्म में. और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड छोटा सा एक सर्कुलर फॉर्म में दिया गया डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, राइट, जिसका कुछ अलग ही वर्क है, हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है. तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, इसके बारे में राइट. अब यहाँ देखिए कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में क्या मेंशन किया कि भाई सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव इज थिन हार्ड एंड हैविंग लेस होमोजीनस मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीलेयर. ग्राम नेगेटिव की अगर आप बात करें तो उसकी सेल वॉल जो है थिन होगी, हार्ड होगी, लेस होमोजीनस, मोर कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेयर्ड होगी, राइट. इट कंटेन्स 10% पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. एक बात याद रखिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत कम होता है, उसकी मात्रा कम होती है, राइट. कितनी है? 10% पेप्टिडोग्लाइकन. अगर हम इसको बात करें ग्राम पॉजिटिव में तो उसकी सेल वॉल ठीक होती है, मोर होमोजीनस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, लिपिड प्रेजेंट होती है, और उसके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो 60-90% होता है, राइट. सो दिस बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय द पेनिसिलिन, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पर आपको याद ही रखना कंपेरिजन में ग्राम नेगेटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है, क्लियर है. तो जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है उसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पेनिसिलिन से, जबकि नेगेटिव को हम इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पेनिसिलिन से. पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है, ठीक है. आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लाइपोपोलीसेकेराइड्स एंड ग्राम पॉजिटिव दैट इज ऑफ टेकोइक एसिड. याद रखिएगा,
आउटर लेयर जो स्लाइमी लेयर होता है, कैप्सूल का लेयर जो लेयर बनता है, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वो लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनता है, अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो टैकोइक एसिड से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस वैक्यूल्स की बात करें अगर हम, तो गैस वैक्यूल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडो वैक्यूल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स। सो इसको हम फॉल्स वैक्यूल भी कहते हैं और एयर वैक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि एयर भी होता है, राइट। सो गैस वैक्यूल्स अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अ गैस वैक्यूल इज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इज अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पॉलीगोनल गैस वैक्यूल्स। बहुत ज्यादा गैस वैक्यूल्स आपस में आकर मिलजुल के एक बड़ी वैक्यूल बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल कह सकते हैं, एयर वैक्यूल भी कह सकते हैं या स्यूडो वैक्यूल भी कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, दैट मींस नॉर्मली ऐसे देखे हम नहीं सकते, ठीक है। ईच गैस वैक्यूल इज सराउंडेड बाय एन एक्स्ट्रा थीन प्रोटीन मेम्ब्रेन। देखो एक्स्ट्रा थीन प्रोटीन मेम्ब्रेन से कवर रहता है। एंड गैस वैक्यूल स्टोर्स व्हाट, मेटाबॉलिक गैसेस। स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ उसका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज गैस वैक्यूल स्टोर्स मेटाबॉलिक गैसेस, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रेगुलेट बुयोन्सी एंड डाइल्यूट द इंटेंसिटी ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन। डाइल्यूट करने का काम भी करते हैं, इंटेंसिटी इसकी हार्मफुल रेडिएशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही आसान है, कुछ इतना वो नहीं है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है दैट विल बी राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स लैक मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लिमिटेड और डेलिमिटेड सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। काफी ऐसे ऑर्गेनल्स है जो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राइट, जो यहाँ पर एबसेंट होते हैं, राइट। आप नोट करिए इनको, क्या लिखा है, द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स लैक मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन डेलिमिटेड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। मतलब यूकेरियोटिक सेल के पास जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनल्स है, जैसे कि ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल, ये चीजें यहाँ पर एब्सेंट रहती है, राइट। तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर ऐसे अगर हम बात करें तो एक होता है राइबोसोम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। राइबोसोम्स जो है दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 80S जनरली यूकेरियोटिक में होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, राइट। अब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे 70S, कितनी बात करेंगे 70S। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर राइबोसोम की अगर हम बात करें साइज तो वो रहेगी 70S। इट अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आपको एक चीज और भी नोट करनी है कि राइबोसोम जो है वो किस हिसाब से रहता है, फ्रीली रहता है। क्या रहता है, राइबोसोम फ्रीली रहता है, राइट। अब यहाँ आपको क्वेश्चन बनता है 70S, व्हाट इज एस, राइट। तो राइबोसोम जो है 70S, यहाँ एस जो है दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट, दैट इज ए काइंड ऑफ एस आई मैट्रिक यूनिट है, एस आई मैट्रिक यूनिट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा SI यूनिट से, नॉर्म स्वेडबर्ग नाम है, एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है जिसने इसकी खोज की है, तो बिहाफ ऑफ द सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है उसकी रिमेम्बरिंग में ये नाम दिया गया है स्वेडबर्ग। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, स्वेडबर्ग इसका पूरा नाम है स्वेडबर्ग, ठीक है, ओके। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि 70S राइबोसोम है, राइट, तो ये डिफरेंट दो अलग अलग टाइप में डिविजिबल हो, दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। सो दिस राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू 50S एंड 38S, राइट। यानी कि राइबोसोम के दो सब यूनिट है, एक ही ये वाला दैट इज द लार्ज वन एंड सेकेंड जो है दैट विल बी द स्मॉल सब यूनिट, राइट। जो लार्ज है, जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50S और जो स्मॉल है दैट इज द 30S। अब आपको यहाँ पर जोड़ना नहीं है कि सर 50 और 30 तो 80 होते हैं, आपको जोड़ना नहीं है, ये बस एक ऐसा यूनिट दिया गया है, जो बड़ा सब यूनिट है, जो बड़ा है उसका क्या नाम दिया गया है 50S और जो छोटा है वह 30S। दोनों को मिला के काम किया जाता है, राइट, जो फंक्शन है राइबोसोम का,
सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन दैट इज नोन एज पॉलीसोम, और आई कैन से पॉली राइबोसोम्स. देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम्स क्या होता है. राइबोसोम्स का फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन करना, जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है यूकेरियोटिक सेल में. अब 12th में पढ़ने वाले हो, यहां जो राइबोसोम से वो एमआरएनए की स्ट्रेन के साथ अटैच होकर पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम्स क्रिएट करते हैं. क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा राइबोसोम्स. आगे बात करते हैं मेसोसोम्स की बात. नेक्स्ट जो है दैट विल बी मेसोसोम्स. सो इन बैक्टीरिया, यहां पर एक एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया का, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इट्स बेसिलस सर्टिलिस, बी साइलेंट है, सब टिलिस नहीं बोलना है, सर्टिलिस, बेसिलस सर्टिलिस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम सर्टेन इन्वेजिनेशंस और इन फोल्डिंग्स दैट इज कॉल्ड मेसोसोम्स इन दिस साइटोप्लाज्म. अब मेसोसोम्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन्वेजिनेशन से बनते हैं. अगर मैं इन्वेजिनेशन की बात करूं, इन्वेजिनेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे अंदर की साइड पे कुछ इस तरीके से बनती जाएगी, राइट, कुछ इस तरीके से डेवलप होगी. देखो इसको कहते हैं इन्वेजिनेशन, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बंद होने की कोशिश करेगा, और ये कंप्लीटली एक बॉडी सेपरेट हो जाएगी वैक्यूल के फॉर्म में. कंप्लीटली एक बॉडी जो है वैक्यूल के फॉर्म में अंदर सेपरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं इन्वेजिनेशन. इस तरीके से जो ये मॉलिक्यूल बना दैट इज मेसोसोम्स, राइट. The mesosomes have various functions. इस टाइप के फंक्शन होते हैं रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में मेंशन किया है. वन इज रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज द सिक्रेटरी फंक्शन. मेसोसोम्स प्ले रोल इन सेपरेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियोइड्स, दो डॉटर न्यूक्लियोइड्स के सेपरेशन में भी ये हेल्प करता है, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल. सेल डिविजन के टाइम पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, एक टाइम पे भी ये मेसोसोम जो है सेपरेटली हेल्प करता है, यानी कि दो सेल को सेपरेट करने के लिए एक प्लेट लाइक फॉर्मेशन शुरू होता है. इन सम प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कुछ एक्सेप्शन आ गया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज क्रोमेटोफोर. क्या है अंदर दूसरा क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर. इन specifically it contains pigment that is the bacteriochlorophyll. kya hai pigment, bacteriochlorophyll that differs somewhat from the comparable pigment of the eukaryotic cell. eukaryotic cell ke paas, for example plant cell lete hain, plant cell ke paas photosynthesis karne ke liye chlorophyll naam ka pigment hota hai. kaun sa pigment hota hai, chlorophyll. uske comparison mein ye pigment kuch separate ho raha hai jiska naam hai chromatophore. ye bacteriochlorophyll hai, photosynthesis ka kaam karta hai blue green algae mein, yani ki uska naam hai साइनोबैक्टीरिया. क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा मेसोसोम्स. आगे बात करते हैं वैक्यूल के बारे में. जनरली वैक्यूल का आप सब जानते ही हैं, नो स्पेसिफिक, देयर आर नो ट्रू एंड फिल्ड स्पेसिफिकली फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स, कोई फिल्ड यहां पर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं. इंक्लूजन बॉडी मैंने अभी आपको जस्ट समझाया, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. एक टाइप का वैक्यूल समझिए, एक टाइप का क्या समझिए आप इसको, समझिए जो मेम्ब्रेन इंक्लूजन से बनता है, राइट. देयर आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड लाइ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में एकदम फ्रीली रहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स किस फॉर्म में रहते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं. साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एग्जाम्पल दिया है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसियल ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. क्लियर हो गया, अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल. ओके, जब भी हमारे दिमाग में इस वर्ड आता है जेनेटिक मटेरियल, जब भी कहीं भी आप पढ़ो तो जेनेटिक मटेरियल किससे कहते हैं, अगर उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्पेसिफिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाए, पास ऑन हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेट हो सके, अपने आप को डबल कॉपी कर सके, राइट. सो द इन बैक्टीरिया ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलोप, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन इज कंप्लीटली एबसेंट.
राइट, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल जनरली न्यूक्लियस के अंदर होता है लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड रिंग लाइक हाईली फोल्डेड सुपर कॉइल्ड डीएनए, राइट, जिसके पास कोई फ्री एंड नहीं होता है. तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है सिंपली दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बच्चों डीएनए है, सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है यानी कि रिंग जैसा बनेगा एंड उसके पास कोई फ्री एंड नहीं होता है. सच अ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप इज नोन एज न्यूक्लियोइड. इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियस नहीं होता पर जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होता है और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, राइट. सच अ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप इज नोन एज न्यूक्लियोइड and the nucleoid is also called as nuclear body, prochromosomes, chromatin body, prokaryotic chromosome, genophore, incipient nucleus or bacterial chromosome. देखो कितने सारे नाम हैं, कोशिश करिएगा कि आपको ये नाम याद रहे क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं भाई what is nucleoid. अब nucleoid तो सबने पढ़ा है तो उसको alternating में कैसे पूछेंगे what is nuclear body या फिर व्हाट इज प्रोक्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमेटिन बॉडी, व्हाट इज जीनोफोर, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या बैक्टीरियल क्रोमोसोम, सबका मतलब एक ही होता है, दैट इज न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर हैप्लोइड, दे आर मच लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, उसके पास डीएनए का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है. अनप्लॉइडी की बात करें दैट विल बी द हैप्लोइड प्लॉइडी होता है, मतलब एन, दो टाइप की प्लॉइडी होती है, एक होता है हैप्लोइड दैट इज एन, a second will be the diploid that is 2n, right. Okay, many prokaryotes have extra chromosomal circular dna that is known as plasmid. aapko generally plasmid ki definition puch sakte hain, neet mein bhi pucha jata hai ki what is plasmid ya plasmid is karke dash kar dete hain aur option hota hai. so plasmid kya hai, extra chromosomal, yaad rakhiyega ek dna type ka hi portion hai, circular dna hota hai lekin ye uska genetic material nahi hai, it is an extra jo additional copy hoti hai wo hoti hai apart from that genetic material, right, जो उसको कुछ न कुछ benefit provide करता है और उस benefit के लिए उसको अपने body के अंदर, यानी cell के अंदर उसको रखा है, ठीक है. तो plasmid DNA confers unique phenotypic characters to such bacteria, for example, fertility factor. देखो यहाँ पर कुछ specific work दिए हैं, fertility factor, NIF genes, resistant factor and cholecystogenic factors, right. fertility factor मतलब during conjugation के time पे एक bacteria दूसरे bacteria में जो transfer करता है gene उसमें ये help करता है. second is NIF gene की अगर हम बात करें तो generally NIF gene जो होते हैं ना, that is encoding enzyme involving the fixation of atmospheric nitrogen. atmospheric nitrogen fix करने का जो gene है that is NIF, right. तो ये वहाँ भी help करता है, उसमें भी रेसिस्टेंट फैक्टर. रेसिस्टेंट की हम बात करें तो हम रेसिस्टेंट किसको कहते हैं, मतलब जैसे कि किसी से किसी चीज को बचानी है तो रेसिस्टेंट, जैसे बैक्टीरिया को पेनिसिलिन से अपने आप को यानी कि एंटीबायोटिक से बचना है तो रेसिस्टेंट डेवलप करना है. तो ये प्लाज्मिड कुछ ऐसा बनाकर उसको रिलीज करके देगा कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके बैक्टीरिया. तो वहां पर अपने आप को जिंदा रखने की बात आई तो रेसिस्टेंट फैक्टर तरीके यूज किया, राइट. नेक्स्ट इज कोलिजिनोजेनिक फैक्टर्स, जेनेटिक डिटरमिनेंट्स हैं. कोलिसिन सिंथेसिस जो होती है ये एंटेरियोबैक्टीरिया में होती है, राइट. सो दे आर ऑटोनोमस यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम एंड विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर वन, दैट इज द कोलिसिनोजेनिक फैक्टर्स, राइट. प्लाज्मिड विच कैन गेट एसोसिएटेड टेम्पोररली विद द न्यूक्लियोइड, यानी कि जो उसका डीएनए होता है बैक्टीरिया का मेजर डीएनए उसके साथ अगर ये अटैच हो जाए टेम्पररी तो उसको कहते हैं एपिसोड्स. ऐसा कोई प्लाज्मिड जो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो रहा है टेम्पररी उस प्लाज्मिड को एपिसोम्स कहते हैं, राइट. प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये प्लाज्मिड डीएनए एज ए वेक्टर यूज होता है, याद रखिए, मतलब एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेल में ट्रांसफर करना है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, राइट. रेस्पिरेशन दैट कैन बी एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक, दो टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के साथ और अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन. न्यूट्रिशन की बात करें तो दैट कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं, हीटरोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना,
किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना, राइट। लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन अकर्स बाय फ्लैजेला। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो लोकोमोशन अकर्स बाय फ्लैजेला दैट प्रोट्रूड फ्रॉम एन इंट्रा सेल्यूलर बेसल ग्रेन्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल बाहर आता है, रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअली एक थ्रेड लाइक मटेरियल आता है, दैट इज नोन एज फ्लैजेला, जो जनरली लोकोमोशन का काम करता है, राइट। तो लोकोमोशन कैसे हो गया, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, राइट। अब बैक्टीरियल के फ्लैजेला की बात करें तो बैक्टीरिया का फ्लैजेला तीन अलग अलग टाइप से बनता है। सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिसमें एक है फिलामेंट, सेकेंड इज हुक, थर्ड इज बेसल बॉडी। सो फिलामेंट का काम क्या होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्फेस टू द प्रोजेक्टिंग आउटसाइड। अगर मैं यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लैजेला अगर आपको बना के दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लैजेला है, राइट, और ये बैक्टीरिया है, इसके साथ यहाँ पर अटैच है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। हुक का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस पोर्शन से यहाँ पर बॉडी अटैच होती है, अटैचमेंट इज सिंपली, राइट, उसको हुक कहते हैं। और इसको जूम करके अगर आप देखोगे इस एरिया को, तो वहाँ आपको बेसल बॉडी भी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से बेसल बॉडी होती है, यहाँ पर हुक होता है और फिर यहाँ से फ्लैजेला डेवलप होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, डिटेल स्ट्रक्चर आप पढ़ने वाले हो, ओके। मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बियर्स मेनी शॉर्ट टिबुलर एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। अब काफी ऐसे आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जिसके पास शॉर्ट टिबुलर एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होता है उसके सेलवेल के ऊपर, जिसको हम पिलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, पिलाई, या फिर हम उसको कहते हैं फिम्बरी। सो इट इज नोन एज पिलाई एंड फिम्बरी डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, उसकी लेंथ के ऊपर होगा। इट डज नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टिलिटी, मतलब अगर किसी बैक्टीरिया के पास बच्चों पिलाई प्रेजेंट है या फिम्बरी प्रेजेंट है, तो वो उसको लोकोमोशन नहीं करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प नहीं करता है, राइट। इट डज नॉट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मोर्टिलिटी। सो द पिलाई आर इंट्रोगेटेड टिबुलर स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें, राइट, पिलाई की, तो पिलाई के पास एक स्पेसिफिकली प्रोटीन प्रेजेंट है जिससे वो पूरा आउटग्रोथ डेवलप करता है, राइट। नाउ ये पिलाई, जैसे अभी हम बात किए, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती, राइट, तो ये पिलाई किसी और फंक्शन में काम करेगी, ऑब्वियसली करेगी। सो द फिम्ब्रे, अगर हम बात करें पिलाई और फिम्ब्रे की, तो फिम्ब्रे जो है दैट इज द स्मॉल ब्रिटल लाइक फाइबर्स, ब्रिटल जैसे फाइबर से बनती है, एंड दैट इज स्प्रास्टिंग आउट ऑफ द सेल, स्प्रास्टिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर होती, थोड़ी अलग होती है पिलाई, राइट। पिलाई की बात करें तो जनरली पिलाई जो है बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन, उस पिलाई को हम सेक्स पिलाई कहते हैं। दैट मीन्स सेक्स पिलाई एक ऐसी पिलाई है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन मतलब कि एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। इन अ फ्यू पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया पिलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू द होस्ट एंड टू रॉक्स इन द स्ट्रेन। कुछ ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर पिलाई का कुछ अलग ही काम है, that is recognizing and attaching to the host and to rocks in the stream, right? Mitotic apparatus is not formed during the cell division. Cell division के time पे यहाँ पर कोई mitotic apparatus नहीं develop होता है, and both transcription and translation जो है it occurs in the cytoplasm. यहाँ जो important चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर transcription और translation दोनों cytoplasm में होती है, mRNA does not required for the processing. अगर यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो वहां जो एमआरएनए बनता है, राइट, उसमें दो तरीके की सीक्वेंस होती है, एक होती है कोडिंग और दूसरी होती है नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग को हमें हटाना पड़ेगा, राइट, तो यहां पर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जब सेंट्रल डॉग्मा होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होना और डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनना, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, फिर उस एमआरएनए को लेकर आते हैं साइटोप्लाज्म में जहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, क्लियर है, बहुत ही आसान है, थोड़ा कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, थोड़ा कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अल्टरनेट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, राइट, टाइप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेशन आपको नोट करना है,
डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के 6 टाइप है. नंबर 1 ऑब्लिगेट एरोब्स, नंबर 1 इज ऑब्लिगेट एरो. ऑब्लिगेट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट है ये. सो द बैक्टीरिया कैन परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, दे आर किल्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशन. एग्जाम्पल बेसिलस सर्टिलिस. अब देखो यहां होता है ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि कंपल्सरी उसको चाहिए. ऑब्लिगेट एरोबिक, पहले तो आप एरोबिक अनएरोबिक का डिफरेंस समझ लीजिए. एरोब्स मतलब या एरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. अनएरोब्स या अनएरोबिक का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. तो नंबर 1 इज ऑब्लिगेट एरोबिक. ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी उसको क्या चाहिए, एरोबिक कंडीशन चाहिए यानी कि ऑक्सीजन चाहिए. एग्जाम्पल इज बेसिलस सर्टिलिस. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो यह बैक्टीरिया तुरंत ऑन द स्पॉट किल हो जाता है. सेकेंड इज ऑब्लिगेट ऑन एरोब, यानी कि अन एरोबिक का मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑब्लिगेट वर्ड आया मतलब कि कंपल्सरी, ऑब्लिगेट वर्ड आया इसका मतलब होता है कंपल्सरी. इट मीन्स द बैक्टीरिया कैन परफॉर्म ओनली ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अगर उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया तो वो मर जाएगा, किल हो जाएगा. एग्जाम्पल लिखिए क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम. क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रिक्टली एनएरोबिक बैक्टीरिया है. नंबर 3 पे आते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक. कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यहां पर ऑब्वियसली, या तो ऐसा या तो ऐसा. सो दिस बैक्टीरिया आर नॉर्मली एरोब्स विच कैन स्विच ओवर टू एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल. एग्जाम्पल लिखिए क्लोस्ट्रिडियम टिटनी. एग्जाम्पल क्या है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी. क्या फैसिलिटी है, जनरली ये बैक्टीरिया एरोबिक है लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपने आप को अनएरोबिक कंडीशन में भी जिंदा रख सकते हैं. देखा 2-in-1 रोल. लेकिन मेजोरिटी ये है क्या, एरोबिक. इसको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव अनएरोबिक. फोर्थ वन फैकल्टेटिव एरोब्स, उससे उल्टा हो जाएगा. यहां पर जनरली बैक्टीरिया अनएरोबिक होंगे यानी कि अपना रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंट में ही करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गया तो भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट. सो द बैक्टीरिया आर नॉर्मली एनएरोब्स बट कैन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एग्जांपल दिया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया. एग्जांपल क्या दिया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसमें स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिया रोडोबैक्टर. एच साइलेंट है, रोडोबैक्टर. फिफ्थ नंबर पे आते हैं दैट इज एरो टॉलरेंट एनएरोब्स. एरो टॉलरेंट एनएरोब्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंटिन्यू टू परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे या फर्मेंटेशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, तो उसको हम कहते हैं एरोटोलिक एनएरोब्स, मतलब ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं वो, राइट. नेक्स्ट सिक्स नंबर पे आता है अनएरोटॉलरेंट एरोब्स. अनएरोटॉलरेंट एरोब्स, सो दैट मीन्स द एरोबिक बैक्टीरिया कंटिन्यू, द एरोबिक बैक्टीरिया कंटिन्यू टू रेस्पायर एरोबिकली इवन इन द एब्सेंस ऑफ द फ्री ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एब्सेंट है तो भी अपना काम करते रहेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ ऑक्साइड सोल्स, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट. नाइट्रेट क्या है बच्चों, नाइट्राइट जो है ये ऑक्साइड के सोल्ट है, उसमें से भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उस ऑक्सीजन को यूज करके भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते, मतलब प्रोसेस कर सकते. एग्जाम्पल है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. एग्जाम्पल क्या लिखना है यहां पर, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. क्लियर हो गया. यहां पर आपने क्या देखा, 6 डिफरेंट टाइप्स देखे बैक्टीरिया के. जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की ऑब्लिगेट एरोब यानी कि कंपल्सरी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. सेकेंड ऑब्लिगेट एनएरोबिक मतलब कंपल्सरी बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव रह सकते हैं. देन कम्स फैकल्टेटिव एनएरोबिक्स, मतलब कि एरोबिक है लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है तो भी सर्वाइव कर लेगा, स्विच कर लेगा. देन कम्स फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में काम करेगा लेकिन अगर ऑक्सीजन मिलता है तो भी काम कर लेगा. देन कम्स एरो टॉलरेंट एनएरोब्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन को टॉलरेट कर लेंगे, राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपना काम कर लेंगे. और उसके बाद हमने पढ़ा अनएरो टॉलरेंट, मतलब कि ऑक्सीजन को टॉलरेट अगर है प्रेजेंस, फॉर एग्जांपल एनएरोबिक कंडीशन हो गई तो भी काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन कब मिलेगा, उसको कहाँ से मिलेगा, वो नाइट्रेट जो ऑक्साइड सोल्स होता है उसमें से ऑक्सीजन को
एग्जाम्पल सभी की हमने पढ़े, एग्जाम्पल के साथ आपको याद रखना है, क्लियर है एवरीवन? तो यहां पर वी हैव फिनिश्ड प्रोकैरियोटिक सेल, हमने यहां पर कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक सेल जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल।